हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। कोई भी सफल व्यक्ति के जीवन के ओर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि एक समानताएं हर किसी के जीवन में हैं। सफलता पाने वाले हर व्यक्ति के जीवन में एक साधारण सी बातें हैं जो कि हर किसी के साथ में जरूर जुड़ा हुआ है। और क्या है वो बात? वो है संघर्ष। कोई भी सफल व्यक्ति के जीवन के ऊपर में आप एक उनके जीवन के ऊपर में एक नज़र डालें तो देखते हैं कि उन्होंने कितने संघर्ष किया जीवन में, और संघर्ष को जिन्होंने पार किया उन्होंने जीवन में सफलता पाई। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे उपलब्धियां हासिल किया और अपने आपको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जो कि लगता है कि बहुत ही कठिन है और बहुत कम लोग उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है कि वो भी जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। और अगर एक महिला के जीवन के ओर हम नज़र डालते हैं तो महिला का जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। तो आज जो किताब में हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक महिला हैं और वो एक कॉरपोरेट लीडर हैं, सक्सेसफुल कॉरपोरेट लीडर जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उपलब्धियां हासिल की और अपने आप को इस जगह तक पहुंचाया कि लोग उनको उनके जीवन से प्रेरित होते हैं और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। तो चलिए दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थ महंतो और आप देख रहे हैं गुड बुक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक महिला हैं और एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट लीडर हैं। तो भारत में जन्मी एक महिला जो कि भारत में अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद में विदेश जाती हैं और अमेरिका जैसे एक देश में, अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो कंपनीज में वो जाके वहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन हायर करती हैं और टॉप मोस्ट पोजिशन में सक्सेसफुली वो 20-25 साल तक उन्होंने वहाँ पे काम किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसा एक शख्सियत का नाम है इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई। ये नाम बहुतों के लिए नया नहीं है, बहुत सक्सेसफुल कॉरपोरेट लीडर हैं। तो क्या था उनका जर्नी, कैसा रहा उनका सफ़र और उसके बारे में उन्होंने अभी हाल ही में उनका एक मेमोयर बुक उन्होंने रिलीज़ किया है। और यूं कहिए ये एक मेमोयर बुक या एक बायोग्राफी भी है और एक ऐसा किताब है जिससे कि बहुत सारे लोगों को उनकी जो अनकही बातें हैं जीवन के उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और किस तरह उन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल किया, कितना त्याग उनको देना पड़ा और किस तरह उनका पूरा जीवन रहा उसके ऊपर में वो इस किताब में चर्चा करती हैं और अपने जो पाठकों हैं, उनका जो रीडर हैं, उनके लिए वो एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं कि किस तरह आप उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किया अपने लाइफ में, आप किस तरह अपने लाइफ में फेस करते हैं चैलेंजेस को, उन चैलेंजेस को साथ आप किस तरह मतलब लड़े और उस चैलेंजेस से बाहर निकल पाएं, उसके बारे में भी आपको कई सारे प्रेरणा मिल सकता है, कई सारे राह आप भी खुद उनके जो जीवन से पा सकते हैं। तो इंदिरा नुई के बारे में थोड़ा जानकारी हम पहले ले लेते हैं कि वो उनका जीवन में उनका जो निजी जीवन था वो किस तरह था, कौन है इंदिरा नुई। इंदिरा नुई का पूरा नाम है इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई और वो 28 अक्टूबर 1955 में तत्कालीन मद्रास और आज का चेन्नई में उनका जन्म हुआ था और IIM कलकत्ता में उन्होंने MBA किया 1976 को और उसके बाद में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट USA में 1980 को उन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट का कोर्स किया। जीवन में उन्होंने कई सारे कंपनियों में उन्होंने काम किया लेकिन उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ वर्किंग था वो था पेप्सिको और पेप्सिको में उन्होंने CEO एंड चेयरपर्सन का बहुत बड़ा जिम्मेदारी उन्होंने निभाया और ऐसा नहीं कि वो छोटे वक्त के लिए वहाँ पे इस रोल पे उन्होंने काम किया लेकिन उन्होंने आज CEO वहाँ पे 12 साल तक उन्होंने वहाँ पे सर्विस किया और 12 साल का जो टेन्योर है, एवरेज CEO का वर्किंग जो इयर्स होते हैं उस करीब करीब उससे 7 साल ज़्यादा उन्होंने काम किया। तो समझ सकते हैं कि एक फीमेल कॉरपोरेट लीडर
और वो भी इतना सक्सेसफुल कि उनको और भी 7 साल ज्यादा उनको सर्विस करने का मौका मिला। तो कितना ज्यादा सक्सेसफुल वो रही अपने जीवन में, या फिर कितने काबिल इंसान है वो, कि उनका जो रिक्वायरमेंट एक कंपनी के लिए कितना ज्यादा रहा और उन्होंने किस तरह का अपना स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया, और इस सारे ये सब बातें उन्होंने इस किताब में अपने जो रीडर्स के लिए उन्हें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम उनका जो रिसेंटली रिलीज हुई किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस किताब का नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। और ये जो किताब है ये हैचेट इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। ये किताब हार्ड कवर और किंडल एडिशन दोनों में अवेलेबल है, तो बहुत आसानी से आप इस किताब के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। लेकिन चलिए अभी देखते हैं कि इस किताब में क्या चीजें उन्होंने दिया है और क्यों ये किताब एक आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग रीडिंग हो सकता है और सबके लिए एक प्रेरणा का किताब किस लिए हो सकता है। तो इस किताब में ऑथर जो है अपने निजी जीवन के बारे में बताती हैं, कई सारे अनकही बातें जो लोगों ने इंदिरा नूयी के बारे में नहीं जानते हैं वो सब बातें उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एक फीमेल को किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है, एक वर्किंग वुमेन को किस तरह का स्ट्रगल फेस करना होता है, फैमिली में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं उनको फैमिली का रोल निभाते हुए, या फिर कॉर्पोरेट में एक टॉप मोस्ट लीडर का रोल निभाते हुए उनको किस तरह का चैलेंजेस फेस करना पड़ा। तो इंदिरा नूयी बताती हैं कि उनको जीवन में बहुत सारे प्रेरणा अपने परिवार से भी मिला है, बहुत सारा साथ मिला है परिवार का, अपना पति का वो तारीफ करती हैं, वो कहती हैं कि उनके जैसे उनका पति का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है उनको आगे ले जाने में, या फिर उनका जो परिवार के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बच्चों से लेकर उनके सास ससुर उनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है, उनको हमेशा एनकरेज करते रहते हैं और उनको हमेशा उनका उपलब्धियों में उनके खुशियों में शामिल रहते हैं, उनको एनकरेज करते रहे हैं, ये सारे इंदिरा नूयी खुद बताती हैं। लेकिन साथ में वो जो बोलते हैं कि एक फ्रीडम जो देना चाहिए एक औरत को परिवार में ताकि वो आगे बढ़ पाए अपने सपनों को पूरा कर पाए, ये सारे जो चीजें हैं उनको परिवार ने उन्हें भरपूर दिया है और जिसके बदौलत वो इतना सक्सेसफुल हो पाई हैं वो बातें यहाँ पे बताती हैं। और साथ में वो बोलते हैं कि अपने जो जीवन का जो ड्रीम या अचीवमेंट को पाने के लिए उन्होंने कई सारे त्याग भी करना पड़ा, खुशियों को कई बार पीछे छोड़ना पड़ गया, उसके बारे में भी वो इस किताब में बताती हैं। और इस किताब में वो अपना जो लाइफ में जो जर्नी रहा है उसके बारे में वो काफ़ी कुछ यहाँ पे बताती हैं कि परिवार ने छूट तो दिया कि आगे आप बढ़ें, लेकिन हर वक्त ये एहसास भी दिलाया कि आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके परिवार के प्रति, उसे आप दरकिनार करते हुए आगे नहीं जा सकते हैं। जितना जरूरी आपका कॉर्पोरेट लाइफ है उतना ही जरूरी आपका पर्सनल या फैमिली लाइफ है, तो दोनों में एक बैलेंस बना के काम करना कितना कठिन है ये इंदिरा नूयी ने अपने इस किताब में दर्शाया है। तो इंदिरा नूयी ने कई सारे कंपनियों में काम किया लेकिन उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन था या सबसे बड़ा जो योगदान रहा उनका वो पेप्सिको में रहा, और उन्होंने पेप्सिको 1994 में ज्वाइन किया और 2006 में या 2006 में उन्होंने पेप्सिको में सीईओ एंड चेयरमैन का जो पोस्ट है वो उसमें उन्होंने काम किया। अगर हम उनका जर्नी विथ पेप्सिको देखते हैं तो पेप्सिको में हर एक बड़ा डिपार्टमेंट को उन्होंने हैंडल किया है। सीईओ बनने से पहले वो उसका जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने निभाया है, टॉप मोस्ट पोस्ट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। एक नज़र देते हैं कि उन्होंने पेप्सिको में कौन कौन सा डिपार्टमेंट में उन्होंने किस तरह का रोल अपने निभाया है। तो सीईओ बनने से पहले उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट 1996 से लेकर 2000 तक उन्होंने उस पद पर रहा, और उसके बाद पेप्सिको में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग 1994 से लेकर 1996। पेप्सिको में इंदिरा नूयी का जो काम करने का जो स्ट्रेटेजी था उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, और वो जो स्ट्रेटेजी पे काम करती थी वो है परफॉर्मेंस विद अ पर्पज। और ये परफॉर्मेंस विद अ पर्पज में काम करने का यही कारण था कि वो सोसाइटी के बारे में भी सोचती थी, और उनका कहना था कि कई सारे जो स्ट्रेटेजी होते हैं डिसीशंस होते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस की उससे कि जो कि पर्यावरण पर या फिर समाज पर असर पड़ता है, तो उन्होंने एक ऐसा स्ट्रेटेजी में काम किया जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे या सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उनका कहने का मतलब अगर पर्यावरण और सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो फिर पर्यावरण और सोसाइटी आपके साथ साथ ही चल। तो जैसे जैसे एक कंपनी ग्रो करता है
उसको एक सोसाइटी का सपोर्ट भी मिलता है, एक पर्यावरण का भी एक सपोर्ट मिलता है। तो ये हम लोगों ने जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर भी उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान, पेप्सी को जो स्ट्रेटेजी था जिस तरह का उन्होंने प्रोडक्ट बना रहे थे उसके ऊपर में इनका इंदिरा नूयी ने ही ऐसा इनिशिएटिव लिया कि प्रोडक्ट को 3 डिफरेंट कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया, फन फॉर यू, बेटर फॉर यू एंड गुड फॉर यू। उन्होंने जो फन फॉर यू स्ट्रेटेजी तैयार किया वो था उनका पोटैटो चिप्स एंड रेगुलर सोडा के लिए, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया। बेटर फॉर यू जो कि डाइट और लो फैट वर्सन स्नैक्स के लिए उन्होंने तैयार किया, और गुड फॉर यू दैट मीन्स ओट मील जो है उसके ऊपर में उन्होंने काम किया। तो अपना जो प्रोडक्ट को उन्होंने इस तरह बनाया कि एक हेल्दी एंड रिच एनवायरमेंट हो और लोगों के लिए वो फायदेमंद हो। तो इंदिरा नूयी का सेव वाटर स्ट्रेटेजी भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहा और काफी ज्यादा मतलब सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड हुआ, क्योंकि वो उनका समय में, उनका ही कहना है, किसी इंटरव्यू में मैंने सुना है कि पेप्सिको के कई सारे देश में कई सारे प्लांट्स हैं, तो वो ऐसे जगह पे भी प्लांट्स हैं जहां पर कि पानी की कमी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेप्सी का जो स्ट्रेटेजी निकाला कि हम कम वाटर यूज करके किस तरह पेप्सी को प्रोडक्ट को तैयार करें ताकि समाज के लिए जो पानी का जो कमी है, जो पानी का कमी है उसको दूर किया जा सकता है, जिससे कि बोथ कॉरपोरेट भी ग्रो करे और सोसाइटी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह का जो स्ट्रेटेजी था वो इंदिरा नोई ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि काफी ज्यादा ज्यादा सफलता मिली कंपनी को। तो एक जो कैलोरी कम करने का जो स्ट्रेटेजी था कि 1.5 ट्रिलियन का कैलोरी वो कम करना चाहते थे, लेकिन इंदिरा नूयी का इस स्ट्रेटेजी से 1.5 ट्रिलियन से वो 6 ट्रिलियन कैलोरी को कम करने में उन्होंने सफलता हासिल किया, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस किताब में इंदिरा नूयी ने जितना कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बात किया उतना ही ज्यादा उन्होंने पर्सनल लाइफ पे भी उन्होंने फोकस किया हुआ है। अपना निजी जीवन में एक किस तरह का शख्सियत उनका रहा वो भी यहाँ पे बताती हैं, किस तरह वो सोचते थे कि वो एक कॉमन इंसान की तरह वो भी गाना गाना पसंद करते हैं, गिटार बजाना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो अपना जो जीवन का काफी सारे बातें वो बताती हैं कि कॉरपोरेट लीडर का थॉट किस तरह होता है, एक कॉमन मैन का थॉट किस तरह होता है, एक एक फैमिली में एक मतलब एक वुमेन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किस तरह का होता है, मतलब पति के लिए भी समय निकालना, बच्चों के लिए भी समय निकालना, सास ससुर के लिए भी समय निकालना, घर परिवार को देखते हुए साथ में लेते हुए इतनी बड़ी कॉरपोरेट की जिम्मेदारी को भी निभाना, किस तरह बैलेंस करना उनके लिए कठिन रहा और किस तरह उन्होंने ये सब चीज़ों को बैलेंस कर पाए, तो सारे बातों को यहाँ पे डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, कोई भी कॉरपोरेट पर्सन जो भी फीमेल हो या मेल हो सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल जाता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसके बारे में, इंदिरा नूयी के लाइफ के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं या इस किताब के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो उनका ये रिसेंटली रिलीज किताब जो माई लाइफ इन फुल को जरूर खरीदे और पढ़े, और इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पे जाके आप इस किताब के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हैं, और अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा एक और नए खूबसूरत अच्छी किताब के बारे में हम बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।